हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जोहार। नमस्ते, आप सभी को जय श्री कृष्ण। लगाने से ना मस्त दिखते हैं। अभी अच्छे दिखोगे ना, अच्छा लगेगा आपको। खाना खा लो, पूछे तो वही भी नहीं। रुकिए बेटा, थोड़ा सा बचा है। ये देख, आप हैंड दीजिए, हैंड लेफ्ट। ये कौन सा कलर मैंने लाया? ये व्हाइट। ये व्हाइट व्हाइट कलर का है, उसको लेके आना था आइसक्रीम को। तो ऐसी नाइट में लगाने देते ना बेटा, तो अच्छा लगता है। जी अच्छा लगता है। सर श्रेया आ वैसे बात हूँ। हाँ वेरी, आप खोलो। हाँ वेरी, ऐसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर नाइट में लगा देते। मैं लगाई थी वैसे रहा नाइट में, तो आप ऐसे करके मुझे दिखा दे। बस ही रहो, वैसे ही रहिए आप। ओके, चाबी के बच्चे, चाबी क्या करोगे? चाबी को अगर नहीं रखोगे तो क्या हो जाएगा? चाबी 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 हमेशा चाबी चाहिए होता है। दीजिए ढक्कन। थैंक यू। तुम लोग आपको और आपको अब कहाँ जाने का मन हो रहा है? नानी यहाँ जाने का मन हो रहा है? पहली बार, फर्स्ट टाइम बड़ी को नानी के यहाँ जाने का मन हो रहा है ना बेटा? क्यों मन हो रहा है? दिन भर में मैंने एक भी बार शूट नहीं करा कुछ भी, क्योंकि कुछ स्पेशल हुआ ही नहीं। कुछ अलग होता है ना, तो मुझे भी शूट करने का मन होता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए मैंने कोई शूट नहीं किया। और सीधे नाइट में हमने पकोड़े बनाए थे, तो वो मैंने शूट कर दिया है। देख सकते हैं पकोड़े बनाए थे मैंने। इसके बाद इन्होंने चटनी भी बनाई थी भूनने वाला। हमने टोमेटो को गैस में भूना और उसके बाद में उसको दबा के फिर उसकी हमने चटनी बनाई। तो ये देख सकते हैं, ये वाली अच्छी लग रही थी। मुझे तो ऐसे गर्मा गर्म कुछ भी चीज़ें दे दो, बस चाय दे दो और बस मेरा हो जाता है। चटनी वटनी सब्जी वब्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं चाय के साथ में खा रही थी और ये चटनी के साथ खा रहे थे। काफ़ी अच्छा था हमारा आज। नेक्स्ट डे का व्लॉग इसी में ऐड करके आप सबसे शेयर करूँ। ये व्लॉग फुल वॉच कीजिएगा आप सभी। चैनल जवाब। नमस्ते, आप सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, मज़े कर रहे होंगे। और ये देखिए, मैं अपना व्लॉग देख रही हूँ दूसरे फ़ोन पे, दिख रहा है ना? पता नहीं कैसे नहीं दिख रहा है, बट ये चालू कर देती हूँ मैं दूसरे फ़ोन से। दूसरे फ़ोन मीन्स हस्बैंड का फ़ोन है, अभी उगा नहीं है ना, तो मैं उनके फ़ोन से देख लेती हूँ कभी कभी। और बाकी तो आप ही लोगों के ऊपर डिपेंड रहता है कि कितना देखते हैं आप लोग और कितना और कितने बार देखते हैं और कितने देखते हैं, कितने लोग देखते हैं। तो मतलब शाम को कल रात का व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी मैं, पकौड़े बनाएंगे देखिए। लेकिन जा रहे हो तो बंद कर सकते हो पकौड़े, और चाय पी रही हूँ। सारा काम वाम खत्म हो चुका है और आज घर जाने वाले हैं। चलो पापा को बाय बोलो। मैं बाय बोल दिया। मैं बोल के आती हूँ बेटा। बाय पापा। मैं आती हूँ। ओके, मैं बाय बोल के आती हूँ पापा को। मैं खिला देती हूँ।
कपड़े धोने हैं, फिर से छत पे आ गए, हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश करने के बाद में मैं पता नहीं ठंड दिनों में इतना हेयर ऑयली क्यों हो जाता है, ऑयली होता रहता है, वॉश करते रहना पड़ता है तब जाके हेयर सही से रहता है। तो अभी करेंगे हम हेयर वॉश। कपड़े वॉश करने के बाद में मिल्क वाले को देख रही हूँ। और गाइस एक और सैड न्यूज़ बताऊँ, हमारे यहाँ के ना दो बच्चे, बाबी मोटर ऑन कर दो ना, बाबी मोटर ऑफ कर दो ना बोलते थे, वो लोग चले गए। दुख लग रहा है मुझे, वो लोग जा रहे थे ना तो मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा था, ऐसे लगता था जैसे मेरे छोटे भाई हो, यू नो, अच्छे थे बच्चे बेचारे, चले गए यार। कोई भी ऐसे आके चले जाते हैं ना तो दुख होता है मुझे, पता नहीं मेरा दिल ना अलग ही टाइप का है, सबसे अलग टाइप का, कि किसी के आने से इतनी खुशी हो जाती है मुझे और किसी के जाने के बाद इतना गम, इतना दुख हो जाती, दुखी हो जाती हूँ मैं, कि दूसरे साथ ऐसे नहीं होते होंगे, हमेशा यार दिल से लगा लेती हूँ किसी बात को, और जब कोई भी बात या कोई भी लोग किसी को भी दिल से लगा लो ना तो दुख तो होना ही है, खुशी तो होनी ही है। हाँ तो चलो इस काम को मैं जल्दी फिनिश करती हूँ, जब मुझे नीचे भी जाना है, दूध भी लेना है, क्योंकि अगर मैं नीचे जल्दी से नहीं गई, टाइम पर नहीं गई तो दूध वाले भैया भर जाएंगे। पर मैं यहाँ पे बना रही थी अपनी थ्रेडिंग, जल्दी जल्दी से आ जाती है, बनाना ही पड़ जाता है हर बारी, और जब मुझे आता ही है तो मैं क्यों ना बना लूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा आने के बाद ही बनाती हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मुझे आता है तो मैं थोड़ा सा आए और मैं निकाल लिया, दो चार आए और मैं निकाल लिया, ऐसा नहीं, बहुत सारा आता है। जब लोग पार्लर जाते हैं ना बनाने के लिए तो वैसे ही मुझे ख्याल आता है कि अब मुझे सच में बना ही लेना चाहिए, तब जाके मैं बनाती हूँ। उन्हीं के काम का है बेटा, हमारे लिए कुछ मंगा दिया, क्या बोलते इसको, ग्लू है वो, ग्लू है वो, चलो रख देते हैं कागज, ओके मजा आ पते है, नहीं पते अभी तक सब सारे टूट गए हैं, दस टूटे हैं सारे, नहीं पतेगा जाते जाते यहाँ जाते जाते बड़ी गोगल साइड में देखो, इधर देखो, 21, 21, 22,
इधर देख के बड़ा ऐसे नहीं करना, नहीं कीजिए ना बेटा। लल्ला कहाँ जाना है? गार्डन का घर आता नहीं है, गार्डन जाना है। और पापा नहीं है, और पापा के बिना हम अकेले चले जाएंगे। पापा डांट दिए फिर कैसे करेंगे? आप पापा को संभालना। क्या बोलोगे पापा को? और क्यों गए मेरे बिना ऐसे बोलेंगे तो? बोलो ना, क्या बोलना है बता दो मुझे। पापा जी डांटेंगे तो? और डांट दिए फिर नहीं डांटेंगे ना? ओके महाराज थोड़ी ना है, अभी महाराज तो है ही नहीं। इन लोगों का बच्चों का व्लॉग्स डाल दी हूँ, देखियो तुम नहीं कर रही हो? हाँ गुंजन हाय बोलो। हाय हाय हाय। तो सीधे हाँ बेटा करो करो करो। खेलो, मैं यहाँ पर ले रही हूँ वीडियोस। लो 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 खेलो खेलो। अंधेरा अंधेरा आ रहा है। नहीं कुशान मुझे तो सुना भाई सोने का टाइम हो चुका है और मुझे एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम याद आ गया। मेरे व्हाइट हेयर बहुत आ चुके हैं, व्हाइट हेयर मेरे बहुत सारे दिखने लगे हैं। आप सबको वीडियो बट मुझे तो पता है इसमें एक शिक्षा मिली बट मेरे पास लोहे का बर्तन नहीं है तो मैं प्लास्टिक के बाउल में ही हमेशा से फुलाती हूँ। आप सबको तो कई बार शेयर भी किया है गाइस, आप सबको तो पता ही है। लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं रहता क्योंकि ये लगाना वगाना मुझे बहुत झंझट लगता है, बट क्या करे व्हाइट हेयर है ना बहुत सारे तो और आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा आपका आज का ब्लॉग तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। दूसरों की खुशी के लिए कुछ कुछ कर देना चाहिए, यू नो। आप लोगों के एक लाइक से, एक कमेंट से और एक मेरे व्यूज बढ़ने से मुझे कितनी खुशी मिलती है वो मैं आप सबको लफ्जों में नहीं बता सकती, पर मुझे बहुत खुशी मिलती है। बहुत आपके वजह से खुशी मिल रही है ना। मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं एक चांस परफॉर्म करूँ यहाँ पे प्रभु देवा सर के साथ। मिल रही है, और क्या मिल रही है। एक तो ये सब स्टेप जो प्रभु देवा सर मेरे सामने कर रहे हैं, बहुत सारा सब कुछ। आप सबको बहुत अच्छे से मिलाई, मिलते हैं नई वीडियो पे। आप सबको जय श्री कृष्ण।